हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए मॉक टेस्ट के सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फिर से एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन और स्टेनो से प्रिपरेशन रिलेटेड एक नया मॉक टेस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप सारी चीजों को प्रोसेस कर सकते हो और एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मार्क जो है वो गेन कर सकते हो। तो चलो लेट्स बिगिन अप विद दिस सेशन। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम आपके साथ जब ये सेशन शेयर करते हैं तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। रीजन बिहाइंड कि स्टेनो और सीपीओ दोनों में ही 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 50 क्वेश्चन की तैयारी के लिए 30-30 क्वेश्चन के ये सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो लाइन अप रहती है। तो चलो लेट्स बिगिन, देखते हैं आज के 30 क्वेश्चन किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। मोर ओवर एक बार बस ध्यान रखना कि वेरियंट ऑफ टॉपिक्स, मतलब कई सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उन सारे के सारे टॉपिक्स, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मानना है, समझना है और सेशन को आगे बढ़ाना है। डन। अब ये 11th मॉक टेस्ट है, दैट मींस हम लोग ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, तो अब जब 10 मॉक टेस्ट कर चुके हैं तो आपके पास अच्छा खासा बोला जाए तो पूरा का पूरा एक मटेरियल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस का एक सेट आपके पास है। तो अगर आपने अभी तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार हम आपको बता दें यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग। तो बेसिकली देखो, फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी जो कि हमारी 7:30 से 8:30 चलती है, बैंक की रात में 9 बजे से 10 बजे तक चलती है। एसएससी की बैंक में हम लोग कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी, और एसएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन जनरल इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी के पूरे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज। प्लस कोर्स की बात करें तो 2 प्लस कोर्स हमारे आने हैं इस मंथ में, एक 4th of November को आ चुका और एक 18 November को आने वाला है। तो ये सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जस्ट द कोड यू हैव टू यूज इज SMS10। 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा और बाकी सारी फैसिलिटीज भी जो है वो सब आपको साइड टू साइड एड ऑन हो जाएगी। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे टू गेट अनअकैडमी अपडेशंस, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग, तो दैट इज SAMASHTI SHUKLA। और जैसा कि आपको YouTube का स्केड्यूल पता ही है कि YouTube पे मॉर्निंग 5:30 AM पे क्लास प्रीमियर होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, और इसके अलावा अगर हम सैटरडे संडे बात करें तो सैटरडे संडे 2 लाइव सेशन चलते 7 बजे शाम को। ये सेशंस लाइव होते हैं, दैट मींस यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कुछ चीजें नहीं क्लियर होती तो उनको डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। तो ये हमारा एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है, जैसा कि आज सैटरडे है तो यस, आज शाम को 7 बजे भी हम लोग मिलेंगे फॉर द लाइव इंटरेक्टिव सेशन। तो बस इसीलिए आपको यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड रहना है और ये देखना है कि कैसे और क्या और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डन। अब आज के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आज आपको कई तरीके के अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो जस्ट बी प्रिपेयर। टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कि आप बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है बाकी सारे सेक्शंस, बाकी सारा एग्जामिनेशन पैटर्न आपका हैम्पर कर जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही उस तरीके से बदल जाता है। अब कोर्सेज के बारे में जो हमने 4th of November और 18th November के बारे में बताया है, तो यार देखो ये 4th of November आपका इसी का सब्स्टिट्यूट बैच है, दैट मींस एसएससी सीपीओ के लिए 50 क्वेश्चंस का 7 days 7 mocks का एक सेशन हमने डिजाइन किया है, 7 days 7 mocks। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको सीधा सीधा सा ये समझ के चलना है कि इन 8 lessons में 7 mocks मिल रहे हैं प्लस एक क्विज मिल रहा है। तो आपके पास 50 क्वेश्चन के इतने सारे सेशन है ऑन सिस्टम सॉल्व करने के लिए, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ भी हो जाएगी। 18 November को जो बैच आ रहा है वो अब तक का एसएससी का सबसे कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है, जस्ट 13 days 13 lectures और आपका सिलेबस कंप्लीट। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो कम समय में पूरी की पूरी तैयारी, और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट लेके, क्योंकि यार आपको खुद पता है कि 13 दिन में पूरा कोर्स डीपली नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सके या ये बोलो कि मेरिट तक पहुंच सके, तो उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसके सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करोगे दैट इज SMS10। और हम तो कहेंगे यार ड्यूरेशंस अगर नहीं आप 6 महीना 12 महीना 24 महीना सिलेक्ट करते हो तो जस्ट गो फॉर 1 मंथ 1 महीने का,
क्योंकि जब आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको हमारे तो दो बैचेस मिल जाएंगे और बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड करने का भी मौका मिल जाएगा। तो जब आपको वो मौका मिल जाएगा, आपको दो बैचेस मिल जाएंगे, तो फॉर श्योर आपका डिसीजन आ जाएगा कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, 12 महीने का लेना है या 24 महीने का। सो फर्स्ट एंड फॉर ऑल आप SMS 10 कोड यूज करके 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके ट्राई कर सकते हो। डन। तो यही सारी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है टू मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस, टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग। तो चलो फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब वर्ड क्या दिया हुआ है? डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का एनालॉगी रिलेशन दिया हुआ है NOMEDSCTART। हमें करप्ट का फाइंड करना है, तो सिंपल सा फंडा है DEMONSTRATE। अब जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो देखो N इधर आ गया, O इधर आ गया, M as it is रहा, E इधर आ गया और D इधर आ गया। देन यही चीज हमने आगे देखी तो क्या हुआ? देखो डेमोन्स्ट्रेट था तो कोड है आपका S E, फिर TART। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं तो देखो S as it is रहा, क्योंकि 5 और 5 का डिवीजन करना पड़ेगा तो S को हम सिमिलरली उतार लेंगे। T लास्ट में चला जाएगा, E इधर आ जाएगा, देन R इधर, T इधर और A इधर। तो इस तरीके से आपको करप्ट को भी कोड करना है। अब जब करप्ट को कोड करोगे तो R और R सेम, 3 और ये, तो ये हुआ आपका ROC, ये हो गया आपका TPU। तो ROC R TPU, that means ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। चलो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगेन क्या है? एनालॉगी। 85, 58 तो 64, ऑब्वियसली 46 यार, रिवर्स ही तो लिखा हुआ है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है इसमें कि कैसे 85 को 58 किया। 85 है ये 58 हो गया, तो 64 है ये 46 हो जाएगा। डन। यस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है? बार्क डॉग क्वेश्चन मार्क स्पैरो। बार्क डॉग तो यार कुत्ते भौंकते हैं, तो चिड़िया क्या करती है? ग्रंट, स्नॉर्ट, हाउल, चर्प। ग्रंट मतलब पता है क्या होता है? हम कह सकते हैं बकरी या घोड़े, वो ग्रंट करते हैं। स्नॉर्ट मतलब तो पिक का साउंड हो गया, हाउल मतलब तो ऑयल आउल का हो गया, और चर्प मतलब अगर हम कहें तो चीची चिड़िया जो करती है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब क्या हुआ? देखो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, मेंटल। लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, मेंटल। अब लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, लेकिन मेंटल की अगर हम बात करें तो ये अर्थ का सेंटर, सेंटर पार्ट कह सकते हो उसको। तो ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। फिर से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। WTSREDKJ, WT तो ये हो गया 23, ये हो गया 20, SR 19, 18, ED 5, 4, KJ 11, 10। तो ऑब्वियसली ऑड वन आउट क्या है? WT, क्योंकि यहां बाकी सब जगह -1 का डिफरेंस है और सिर्फ यही पे आपका 3 का डिफरेंस है। डन। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब बताओ 41, 22, 63, 93, 82, 44, 83, 64। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। तो सिंपल सा आपको दिमाग लगाने पे पता चल जाएगा दोनों के सबके बीच का डिफरेंस, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ डिफरेंस है अगर चेक करो तो वो ज्यादा अच्छा से होगा, है ना। लेट्स सी।
41 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 9, 19. डन. 63, 93, 30. फिर 82, 44. तो 12 में से 4 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 38. 83, 64. तो अब ये कितना हो गया? 13 में से 4 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, 19. तो अब क्या हुआ देखो, अब सीधा सीधा सा 19, 30, 38, 90. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली सारे के सारे 19 के फैक्टर्स है. यस, 19 वन्स आ, और ये हो गया 19 टू आ. लेकिन 30 की अगर हम बात करें तो ये तो हमारे 19 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो ये अगर हमारे 19 का फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ऑड वन आउट हो जाएगा ये, क्योंकि इसका रीजन हम यही कह सकते हैं, ऑल डिफरेंसेस आर फैक्टर्स ऑफ 19. डन. अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी. निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए. अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. और अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो सिंपल सा मोड यहाँ पे निकल के आएगा कि हम फर्स्ट लेटर देखेंगे. फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर सेम है तो थर्ड लेटर देखेंगे, थर्ड सेम है तो फोर्थ देखेंगे. तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले आपका सी ए डी ए आएगा. डन. अब सी ए डी ए के बाद ऑब्वियसली सी ए डी डी आएगा. तो सी ए डी डी आई एस एफ या सी ए डी डी आई एस डब्ल्यू. तो यस, सी ए डी डी आई एस एफ आएगा. फिर इसके बाद सी ए डी डी आई एस डब्ल्यू आ जाएगा. उसके बाद फिर सी ए डी ई आ जाएगा और फिर सी ए डी यू आ जाएगा. टोटली डिक्शनरी पैटर्न पे, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं वैसे ही. तो उस हिसाब से हमारा जो पैटर्न बन गया वो है 1, 2, 4, 5, 3. तो 1, 2, 4, 5, 3 ऑप्शन नंबर ए. डन, ये हो गया. बीच बीच में हम चेक कर ले रहे हैं कि कहीं आवाज चली ना जाए, क्योंकि कल ये चीज प्रॉब्लम कर रही थी वीडियो में. तो दैट इज व्हाई आई एम चेकिंग इन बिटवीन कि आपके वीडियो से कहीं भी साउंड ना चले जाए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? चलो फिर आगे देखते हैं. 8th क्वेश्चन, हियर यू गो. अ सीरीज इज गिवन विद वन और टू टर्म मिसिंग. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज. दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन. तो बीच में लगा हुआ है इजिप्शियन और चाइनीज के बीच में क्वेश्चन मार्क. तो यार सिंपली ये इनकी सिविलाइजेशंस पे बेस्ड है. सिविलाइजेशंस पे बेस्ड है तो मतलब क्या हुआ? देखो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था आपका 4000 BC में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था 3400 BC में, तो चाइनीज सिविलाइजेशन था आपका 1705 BC में. तो इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये था हमारा 2500 BC. डन. तो ये आपके सिविलाइजेशंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. यस, चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है? अ सीरीज इज गिवन विद वन और टू टर्म मिसिंग. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए. नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज हमें सीरीज कंप्लीट करनी है. तो सीरीज कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से लिख लेते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. आपको भी क्लियरली समझ में आ जाता है प्लस माइनस कहां कितना हो रहा है. देखो, जैसे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें 20, 26, 6 और 12. +6, +6, +6. तो यहाँ पे भी देखो 21 है ये, 1 है ये, 7 है ये, 13 है ये. तो यहाँ भी +6 हो रहा है सब में. इसके बाद ये 23 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 15 है. तो अगेन यहाँ पे भी +6 हो रहा है. तो इस हिसाब से LMO L+6 12, 6, 18. तो R हो गया 13 और 6, 19, मतलब S हो गया, और 15 और 6, 21, मतलब U हो गया. सो RSU ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. डन. चलो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सीरीज इज गिवन विद वन और टू टर्म मिसिंग. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज. अब क्या करना है? 5, 8, 12, 17, 23 क्वेश्चन मार्क. अब
सिंपली इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे, 5 में 8 मतलब कितना हो गया ये प्लस 3, फिर 8 में 12 प्लस 4, तो ये तो सिंपल हो गया, 5 8 प्लस 3 8 12 प्लस 4, 12 17 की अगर हम बात करें तो प्लस 5, 17 23 की अगर हम बात करें तो प्लस 6, और 23 से अगर हम बात करें प्लस 7, तो इस हिसाब से 30 इज द राइट आंसर। डन, चलो अगला देखें। In a certain code language, maternal is written as R-I-A-L-M-A-T-E. क्या हुआ है maternal का code? तो let's see, M-A-T-E-R-N-A-L. Maternal का code दिया है R-I-A-L-M-A-T-E. तो हमें निकालना है basically किसका? Remember का code. तो अगर हम देखें तो M-A-T-E-M-A-T-E. Yes. Okay. तो एक बात हुई यहां पे यार, ये एन जो है ना ये आई है आपका, ये मेटर्नल नहीं है, ये मटेरियल है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये जो है आपका मेटर्नल नहीं है, ये मटेरियल है। यस, तो दैट इज माय टाइपिंग मिस्टेक बेसिकली। तो मटेरियल है तो देखो एम ए टी की लास्ट में आ गया, तो आर आई ए एल यहां आ गया, बात समझे? तो उसी हिसाब से अगर हम रिमेंबर का कोड करेंगे आर ई एम ई एम बी ई आर, तब क्या करोगे, ये चार उठा के शुरू में रख दोगे एम बी ई आर, और आर ई एम ई उठा के लास्ट में रख देंगे, तो एम बी ई आर आर ई एम ई, एम बी ई आर आर ई एम ई, ऑप्शन नंबर सी। डन, चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 597, 5832, 9648, 79 क्वेश्चन। तो अब हॉरिजॉन्टली भी देख लो, वर्टिकली भी देख लो, किस तरीके से करोगे। तो आई गेस यस, 5 - 1 × 8 = 32, 9 - 1 × 6 = 48, 7 - 1 × 9 = 54, ऑप्शन नंबर सी। बात समझे ना, देखो 5 - 1 = 4, 4 8 = 32, 9 - 1 = 8, 8 6 = 48, 7 - 1 = 6, 6 9 = 54। डन, तो ये हो गया 12th क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इफ एस डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, पी डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आर डिनोट्स एडेड टू, एंड क्यू डिनोट्स डिवाइडेड बाय, देन तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको रिप्लेस कर देना है साइन से। 1 4 6 4 1, क्यू का मतलब था डिवाइड, 1 2 1, पी का मतलब था सब्ट्रैक्ट 100, एस का मतलब था मल्टीप्लाई 2, आर का मतलब था एड 100। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे 121 से, तो ऑब्वियसली बात है कितने टाइम्स आएगा, ये 121 का स्क्वायर है। क्या है ये, 121 का स्क्वायर, तो ये हो गया 121 माइनस 100 इंटू 2, तो इसको हम सीधा सीधा 200 ले लें, यस, प्लस 100, तो 121 माइनस करने से अच्छा है हम इसको 121 और 100 को ऐड कर दें, तो ये हो गया हमारा 221 माइनस 200 विल बी द गुड वन। तो 221 माइनस 200 जब करोगे तो यस, ऑप्शन नंबर बी 21 विल बी द राइट आंसर। डन, अगला देखो। पूनम टोल्ड अक्षय दैट यस्टरडे शी डिफीटेड अक्षय'स ओनली सिस्टर्स डॉटर स्नेहा इन अ स्कूल ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन, हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू स्नेहा। पूनम ने अक्षय को बताया कि कल उसने स्कूल ताइक्वांडो परीक्षा में अक्षय के इकलौती बेटी स्नेहा को हराया था, तो अक्षय स्नेहा से कैसे संबंधित है। नाउ दिस इज द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। पूनम ने अक्षय को क्या बताया है कि कल अक्षय की इकलौती बहन की बेटी, मतलब अक्षय की इकलौती बहन की बेटी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्नेहा, तो अक्षय स्नेहा से कैसे संबंधित है, अब बताओ। ऑब्वियसली अंकल, क्योंकि ऑप्शन में तो यहाँ पे डी में अंकल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली क्लियर, यस।
अगला देखो, इन अ रो ऑफ बॉयज तारक इज 18th फ्रॉम ईदर एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। लड़कों की एक पंक्ति में तारक दोनों छोर से 18वें स्थान पे, तो अब सिंपल लेना है, 18 + 18 - 1, तो 18 + 18 मतलब कितना हो जाता है 36, 36 - 1 मतलब हो गया 35, ऑप्शन नंबर सी, डन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, दैट मीन्स जो कैन नॉट है वो हमें चेक करना है, एब्सोल्यूट से जो नहीं बनाया जा सकता। तो यार देखो, सबसे पहले तो BASE बेस बनाया जा सकता है, BOSE ये भी बनाया जा सकता है, LOSE ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन सॉल्व नहीं बनाया जा सकता। रीजन, एब्सोल्यूट में भी कहीं पे भी नहीं है, क्लियर। अगला देख, सिलॉक का क्वेश्चन, ऑल फैंस आर कप्स, ऑल कप्स आर पिलोज, फिर से बनाते, ऑल फैंस आर कप्स, ऑल कप्स आर, थोड़ा छोटा बनाते, ऑल फैंस आर कप्स, ऑल कप्स आर पिलोज। अब क्या हुआ, ऑल फैंस आर पिलोज, सभी पंखे तकिया हैं, तो है ना, ऑल पिलोज आर फैंस, सभी तकिए पंखा है, नहीं, क्योंकि तकिए का कुछ पार्ट बस है, तो ओनली वन विल बी द आंसर, डन। अगला देखो, इफ 5th January 2011 वाज थर्सडे, 5th January 2011 वाज थर्सडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 1st January 2013, 5 January 2011 को क्या था, गुरुवार था, तो 1 January 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 1 January 2013 यही बताना है। तो 2011 से 2012 नॉर्मल ईयर मतलब एक और डे, 2012 से 2013 लीप ईयर मतलब दो और डे, तो ये आप याद रखो, नॉर्मल ईयर में एक और डे होते हैं, लीप ईयर में दो और डे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है कि 2012 जो है वो हमारा लीप ईयर है, कुछ भी कर लो, ठीक है, तो उस हिसाब से तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, थर्सडे में 3 को ऐड कर देंगे, तो जब आप थर्सडे में 3 को ऐड कर दोगे सो दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा आपका, थर्सडे में 3 को ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, डन। लेकिन एक चीज नोटिस करी आपने, हमने ये 3 ऐड करके 5th January 2013 का दिन निकाला है, क्योंकि डेट टू डेट ही सेम निकल के आता है ना, तो 5th January को संडे है, अब 1st January चाहिए तो यार संडे में से तो माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, कितना, 4, क्योंकि फर्स्ट पे जाना है, तो संडे से 4 माइनस कर दोगे दैट मीन्स कितना हो जाएगा, देखो सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेंसडे, बात समझे, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। मतलब सबसे पहले हमने 5th January 2011 से 5th January 2013 का दिन निकाल लिया जो कि आया संडे, अब हमें 5th नहीं चाहिए था, हमें तो 1st चाहिए था, इसीलिए हमने उसको 4 दिन पीछे कर दिया, तो संडे से 4 दिन पीछे जाने पे आ जाएगा क्या, वेंसडे, बात समझ आई, पक्का, श्योर। चलो तो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेटर रिपीटेड सीरीज है जिसके बीच में ब्लैंक्स दिए हुए, डैश बी सी, डैश क्यू, डैश ए बी, डैश बी, डैश आर। अब दिमाग तो ये कहता है कि यस ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, तो ऑप्शन में अगर ए पी आर सी क्यू हुआ तब तो बात सही है, तो यस ऑप्शन में है ए पी आर सी क्यू, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर्स,
then turns 270 degree anti-clockwise and works for 12 kilometers. What is the minimum distance between its initial and final position? एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक चलता है और फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? मिनिमम इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? लेट मी चेक द साउंड फर्स्ट, एवरीथिंग इज फाइन। एक आदमी ईस्ट की ओर देख रहा है, ठीक है। अब यहां से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर देखता है। तो पहले तो वैसे खड़ा था लेकिन अब वो ऊपर जा रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है, विदाउट वॉकिंग एनी डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अब यहां से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिट साइड, ठीक है, ईस्ट की तरफ देख रहा था, नॉर्थ की तरफ मुड़ के 5 किलोमीटर गया, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि 180 प्लस 90, है ना? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? 180 प्लस 90, तो 180 तो इधर हो गया और 90 इधर हो गया, तो दैट मीन्स इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना कवर कर रहा है? 5 किलोमीटर, नो 12 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर। अब यही तो हमें निकालना है, यस। तो पाइथागोरस अप्लाई होगा यहां पे, है ना? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169, तो 169 के रूट वैल्यूज, क्योंकि एच स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा 30। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन, चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब त्रिभुज काउंट कर रहे हैं, ट्राइंगल्स काउंट कर रहे हैं, 21, 23, 25, 27। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इतना ज्यादा नहीं प्रॉब्लमेटिक करना मेरे को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, मत करो। आप सिंपली ये देखो ये आपके 3 है, क्यों? क्योंकि पार्टीशन जब होता है तो 1, 2, तो 1+2 करते, उस हिसाब से यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 3 है। डन, अब आगे अगर हम बढ़े तो ये 1, 1, 1, 3 ये होगा। तो देखो 3+3+3+3 इतना हो गया। इसके बाद में ये बिगर ट्राइंगल भी तो है, इसके भी 3 आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये दूसरा बिगर ट्राइंगल है, उसके भी 3 आ जाएंगे। तब कितने टाइम्स हो गया ये? 6 टाइम्स। अब इसके बाद इसमें इनसाइड भी बन रहा है तो हम इसके 3 ले सकते हैं, है ना? ये वाला भी ले लिया हमने, उस हिसाब से फिर अब हम और कौन सा ले सकते हैं? एक ये हो गया, अब एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, तो ये 2 ट्राइंगल हो गए हमारे। तब देखो गिनो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 21+2 पे हैं अभी हम लोग, तो कितना हो गया? 23 ट्राइंगल्स। तो क्या 23 ट्राइंगल्स हैं? नहीं, 4 ट्राइंगल और हैं। 4 ट्राइंगल कौन कौन से हैं हमारे? देखो एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, और उस हिसाब से फिर एक ये वाला ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल्स यहाँ हो गए। सो दैट मीन्स 27 ट्राइंगल्स इज द राइट आंसर। बात समझ आई? यस। सो 27 इज द क्लियर आंसर। ठीक है, अगला देखो। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर?
प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। सो यस, जिगजैग पैटर्न है, तो उस हिसाब से जब हम इसको पूरा करेंगे तो ये ऐसा फिगर बनाएगा, और जब ये ऐसा फिगर बनाएगा तो दिस इज गिवन इन बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। बस उसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही वन में है, ना ही टू में है, ना ही थ्री में है। डन। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। दिए गए उत्तर आकृति में प्रश्न चुने जिसमें की आकृति छिपी हुई है या अंतर्निहित है। तो इट इज क्लियरली, वेरी क्लियरली शोन ये रहा, क्योंकि हमें ये ट्यूब भी तो चाहिए ना साथ में, सिर्फ हमें ऐसी डायगोनली लाइंस थोड़ी चाहिए। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस टीचर मैन एंड वुमेन। तो यार, मैन भी टीचर हो सकते हैं, वुमेन भी टीचर हो सकती है, लेकिन सारे मैन टीचर हो या सारी वुमेन टीचर हो ये जरूरी नहीं। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया टीचर, ये हो गया मैन, ये हो गया वुमेन। अगला देखो, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर सेट। एक आंकड़ा चुने जो चित्र के सामने प्रकट रूप से निकट के समान मिलता, पेपर कटिंग फोल्डिंग है। तो अब जब इसको ओपन करोगे तो ट्राइंगल किधर भी आएगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर पे चलेगा। फिर उसके बाद जब इसको ओपन करोगे तो ट्राइंगल पलट जाएगा, नीचे वाला भी पलट जाएगा, पर ये जो रिंग्स है या ये यू है ये तो एज इट इज ही रहेंगे ना। यस, तो बस ये आइडेंटिटी किसमें है? ऑप्शन नंबर दो में, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ट्राइंगल्स जो है वो सीधे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी या टू इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द वेट ऑफ फोर बॉक्सेस आर 30, 70, 60, 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल वेट इन किलोग्राम्स ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बॉक्सेस। चार बक्सों का वजन दिया है 30, 70, 60 और 20। निम्न में से कौन सा कुल वजन नहीं हो सकता किलोग्राम में इन बक्सों के किसी भी संयोजन में, और एक संयोजन में केवल एक बार एक बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। डन। 30 + 70 + 60 + 20 कितना हो गया ये देखो, 100, 160, 180। तो 180 तो है। अब यार एक बात बताओ, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सबका टोटल 180 आया है ना। तो अगर किसी एक को हटा भी देते हो 30, 70, 60 या 30, 60, 20 या 30, 70, 20 तो भी 190 तो कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि 180 से बड़ा हो गया ना, जब चारों को मिलाकर ही 180 आ रहा है तो 190 कैसे आएगा। डन। सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द आंसर। क्लियर। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड Using the letters of the given word, दिए गए शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। Cannot, नहीं। Jostling दिया हुआ, JOSTLINGS। अब JOSTLINGS की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो inlet यही नहीं बनेगा, क्योंकि inlet में E दिया हुआ है और jostling में कहीं भी E नहीं। बाकी सारे के सारे वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि हर लेटर प्रेजेंट है वहां पे। डन। अगला देखो, वाइल्ड हॉर्न का कोड दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। वाइल्ड हॉर्न इज रिटन एज 1133, रैप्चर इज रिटन एज 1089। सो हाउ इज पोर्ट लुइस रिटन इन दैट कोड। तो वाइल्ड हॉर्न का कोड है, रैप्चर का कोड है, पोर्ट लुइस का कोड हमें फाइंड करना है। तो कॉमन निकाल सकते हैं, WILDHORN का कोड दिया हुआ है 1133, रैप्चर RAPTURE रैप्चर का कोड दिया है 1089। अब हमें किसका कोड निकालना है, पोर्ट लुइस का, PORTLOUIS। सो यस, साउंड वगैरह सब सही है अभी तक भी। तो अब जब हम इसको चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेस वैल्यूज कोई नहीं क्या? डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, आई की प्लेस वैल्यू 9, तो इन सब की सारी प्लेस वैल्यूज को क्या करो, ऐड कर दो। 23 + 9 + 12 + 4 + 8 + 15 + 18 + 14,
जब आप इन सबको ऐड कर दोगे सो यू विल गेट 103, ऐड करके देखना 103 मिलेगा। अब 103 इंटू 11 1133, बात समझ आए? रैप्चर के साथ भी यही होगा, 18 + 1 + 16 + 20 + 21 + 18 + 5 सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट 99 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1089। तो पोर्ट लुइस के साथ भी यही करो, 16 + 15 + 18 + 20 + 12 + 15 + 21 + 9 + 19 जब इन सबको ऐड करोगे सो मिल जाएगा आपको 145। तो 145 इंटू 11, तो 11 5 = 55, 5 कैरी 11 4 = 44 और 5 = 49, फिर इसके बाद 4 कैरी 11 = 11 और 4 = 15, 1595 ऑप्शन नंबर डी डन। अगला देखो, इफ ए डिनोट्स, ए डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बी डिनोट्स एडेड टू, सी डिनोट्स डिवाइडेड बाय, डी डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए का मतलब घटाया जाता है, बी का मतलब जोड़ा जाता है, सी का मतलब विभाजित होता है, और फिर आगे बोले तो डी का मतलब गुणा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने हैं। अब जब सारे के सारे ऑप्शन चेक करोगे सो आई वुड से कि यस ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। देखो 13C, सी का मतलब क्या था? डिवाइड। ए का मतलब क्या था? माइनस 13। फिर इसके बाद क्या हुआ आपका यहाँ पे बी, बी का मतलब क्या था? एड 13, और डी का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई 13 157। 1 - 13 + 13 × 13 तो 13 का स्क्वायर होता है 169 = 157। तो ये कितना हो गया हमारा? -12 + 169 दैट इज 157 = 157। LHS RHS आगे बराबर डन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो, 9 * 2 * 5 = 23, 1 * 4 * 8 = 29। अब क्या हुआ देखो, 9 * 2 = 5, 5 * 2 = 9 रिवर्स लिख दिया है, और 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23। यस, तो 1 * 4 * 8 1 = 4 = 8 = 841 ये 29 का स्क्वायर हो गया। तब फिर हमें पूछा जाएगा, मान लो 1 * 6 * 3 तो ये इज इक्वल टू क्या होगा? तो 163 दैट इज 361, और 361 किसका स्क्वायर? 19 का। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्लियर। तो ये हो गया हमारा 30th क्वेश्चन भी सॉल्व। लेट्स सी सारे के सारे क्वेश्चन आपकी आवाज में आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ एक बार क्लासेस की टाइमिंग और देख लो। सबसे पहले तो जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पर फॉलो करोगे दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द 10% डिस्काउंट एंड अवेल एवरी फैसिलिटी ऑफ अनअकैडमी दैट इज SMS10। यूट्यूब पे 5:30 AM सेशन प्रीमियर होता है मंडे से लेके सैटरडे तक, और सैटरडे संडे 7 PM पे लाइव इंटरैक्टिव सेशन होता है। अनअकैडमी में जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती है सब्सक्राइबर्स नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की, प्लस कोर्स जो ऑलरेडी हमारा 1/4 नवंबर को लॉन्च हो चुका है और 18 नवंबर को दूसरा आने वाला है उसकी टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से 5:30 बजे वाले इस सेशन को फॉलो करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।